आप सभी ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल करके आ रही है। जैसा कि डॉक्टर मनसुख मांडिया ने एक बहुत ही बड़ी घोषणा भी कर दी है इसको लेकर के, और 11 करोड़ रुपए से भी ज्यादा ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए जारी किए जा चुके हैं। एक नई सर्विस भी स्टार्ट की जाने वाली है, बहुत ही बेहतरीन सर्विस स्टार्ट की जाने वाली है, जिसको लेकर के ईपीएफओ के द्वारा, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा एक प्रेस रिलीज जारी किया जा चुका है। क्या कुछ नई अपडेट है आज के इस नए वीडियो में हम जानने वाले हैं, पूरे लाइव प्रूफ के साथ देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो प्रेस रिलीज है वो श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है, और यहाँ बताया गया है ये जो जारी किया गया है, पहले तो ये देख लेते हैं, 8 नवम्बर 2024 को जारी किया गया है, पीआईबी दिल्ली के द्वारा जारी किया गया है। अब यहाँ बताया गया है कि डॉक्टर मनसुख मांडिया ने ईपीएस योजना के तहत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रायोगिक परीक्षण के सफल समापन की घोषणा कर दी है, और इसके तहत आप देख सकते हैं कि जम्मू, श्रीनगर और करनाल क्षेत्रों के 49,000 ईपीएफ पेंशन भोगियों को अक्टूबर 2024 के लिए 11 करोड़ रुपए से अधिक पेंशन वितरित की गई है। और क्या कुछ मामला है आज के इस नए वीडियो में जानेंगे, पूरा डिटेल्स में यहाँ बताया गया है। देखिए यहाँ बताया गया है कि पेंशन सेवाओं को बेहतरीन करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए केंद्रीय श्रम एवं रोजगार और युवा कार्य एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडिया ने कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस 95 पेंशन की जो योजना है उसके अंतर्गत नई केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली के प्रायोगिक परीक्षण के सफलतापूर्वक संपन्न होने की घोषणा कर दी है। अब यहाँ बताया गया है, देखिए उन्होंने बताया कि जम्मू, श्रीनगर और करनाल के क्षेत्रों के 49,000 से अधिक ईपीएस पेंशन भोगी को अक्टूबर 2024 के लिए लगभग 11 करोड़ रुपए से की पेंशन वितरित करने के साथ साथ 29 और 30 अक्टूबर 2024 को यह प्रायोगिक परीक्षण संपन्न हो गई है। अब हालांकि ये जो प्रणाली है, ये पेंशन वितरण करने की प्रणाली है, ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर के इसमें कोई भी अपडेट नहीं है, पूरा ही हमने पढ़ा है। जैसा कि ईपीएस 95 पेंशनर्स काफी लंबे टाइम से अपनी मांग को लेकर के अड़े हुए हैं कि उनकी जो उनकी मांग है 7500 प्लस डीए उनको एक्सेप्ट किया जाए और उनका जो बढ़ी हुई पेंशन उनके खाते में दी जाए। तो यहाँ पे बढ़ी हुई पेंशन को तो नहीं बताया गया है कि उनकी पेंशन बढ़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उनकी पेंशन जितनी भी आती है, 1000 रुपये आती है, 2000, 5000 आती है, कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि भैया मेरा तो 1000 रुपये से भी कम पैसा आता है, जो कि ईपीएफओ खुद भी बोलता है कि हम मिनिमम पेंशन 1000 रुपये देते हैं, लेकिन अगर उनको कम मिलता है तो उनको जो भी पेंशन मिलता है, अब ये पेंशन की प्रणाली जिस पुरानी प्रणाली से मिलती है उस प्रणाली से न मिल करके अब एक नई प्रणाली से मिलेगी, और इससे क्या कुछ लाभ होने वाला है देखिए यहाँ बताया गया है। इसके लिए भी सबसे पहले तो यहाँ बताया गया है देखिए कि ईपीएफओ अगर इसको स्वीकृत करता है तो जो पेंशनर्स हैं, पेंशन भोगी को क्या लाभ मिलने वाला है, पेंशन भोगियों को देश में कहीं भी किसी भी बैंक किसी भी शाखा से अपनी पेंशन प्राप्त करने की सुविधा के साथ साथ इस पहल से पेंशन भोगियों के लंबे समय से चली आ रही चुनौतियां अब खत्म हो गई हैं इस नई वाली प्रणाली से। हालांकि ये पूरा अभी लागू नहीं हुआ है, कब से लागू होने वाला है इसमें ही हम जानेंगे। देखिए यहाँ बताया गया है कि एक निर्बाध तथा कुशल तंत्र सुनिश्चित हो गया है, यह ईपीएफओ को एक अधिक मजबूत, उत्तरदायी और तकनीक स्तर पर सक्षम संगठन बनाने में जारी प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। हालांकि यहाँ पे ये जो नई प्रणाली है इससे आपको लाभ तो मिलने वाला है कि कहीं से भी आप पेंशन ले सकते हो। देखिए इसमें जो पुरानी प्रणाली है उसमें क्या कुछ दिक्कत है उसके बारे में भी बताया गया है। आप देख सकते हैं कि मौजूदा पेंशन वितरण प्रणाली विकेंद्रीकृत प्रणाली है, जिसमें ईपीएफओ का प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय केवल 3-4 बैंकों के साथ अलग अलग समझौते करता है। अब जो नई प्रणाली है उसके बारे में बताया गया है कि भैया इस मायने में सीपीपीएस जो कि नई प्रणाली है उसका शॉर्टकट नेम है, एक आदर्श बदलाव है। इसमें पेंशन भोगियों को पेंशन शुरू होने के समय किसी भी सत्यापन के लिए बैंक जाना की आवश्यकता नहीं होगी,
और पेंशन जारी होने के साथ ही पेंशन भोगियों के खाते में भी आ जाएगी, ज्यादा प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि काफी जब पेंशनर्स रिटायर होते हैं तो उनके जो भी क्षेत्रीय कार्यालय है उनको उनके द्वारा बोला जाता है कि भैया आपको इस विशेष बैंक में ही खाता खुलवाना पड़ेगा और उसमें ही हम पेंशन जारी करेंगे। लेकिन अभी इन प्रॉब्लम से छुटकारा मिल सकता है इस नई प्रणाली के आने के बाद। इसके अलावा भी बताया गया है कि प्रणाली पूरे भारत में पेंशन का वितरण सुनिश्चित करेगी तथा पेंशन भुगतान आदेश पीपीओ को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय में भेजने की जरूरत भी नहीं होगी। भले ही पेंशन भोगी एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाए या अपना बैंक शाखा बदल लें, यह उन पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत होगी जो सेवानिवृत्त यानी कि रिटायरमेंट के बाद अपने घर चले जाते हैं, गृहनगर चले जाते हैं। क्योंकि जो भी पेंशनर्स हैं, भैया पेंशनर्स तो शुरू से पेंशनर्स नहीं है, कभी कर्मचारी रहे होंगे, कहीं काम किए होंगे, उनका पैसा कटा हुआ होगा, बाद में ही वो रिटायर होते हैं और उनको पेंशन मिलता है। तो जब वो काम कर रहे होते हैं, जिस भी स्टेट में काम कर रहे होते हैं, वो सुविधा को देखते हुए अपने पास में ही अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा लेते हैं और अब जब भी वो घर जाते हैं तो जिस भी बैंक में उनका पैसा मिल रहा होता है या फिर जहां से भी पीपीओ उनका जारी किया गया रहता है तो उनको बार बार ट्रांसफर नहीं कराना पड़ेगा इस नई प्रणाली के आने के बाद। क्योंकि अभी काफी लोग बोलेंगे भैया अगर पेंशन हमको मिल रहा है तो हम तो कहीं से भी पेंशन निकाल लेंगे, इसमें ये क्या नई प्रणाली आने से क्या कुछ होने वाला है। तो देखिए जिन जिन लोगों की पेंशन रुक जाती है किसी भी रीजन की वजह से, अलग अलग रीजन्स होते हैं, अगर रीजन्स आपको जानना है तो वो रीजन्स वाली वीडियो में पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर सकते हैं, उन रीजन्स के बारे में जान सकते हैं कि पेंशन मिलते मिलते रुक जाती है, बाद में आपको जिस भी क्षेत्रीय कार्यालय के द्वारा पीपीओ नंबर जारी किया गया रहता है, पेंशन दिया जाता है, उस कार्यालय में जाकर के आपको चालू करवाना पड़ता है। तो ये नई वाली जो प्रणाली आएगी तो अब आपको कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। अब हालांकि ये जो प्रणाली है यहां बताया गया है कब से चालू होगी, देखिए यहां इसके बारे में बताया गया है यहां पे कि ये पूर्ण रूप से, देखिए यहां पे बताया गया है कि जनवरी 2025 तक पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा और इससे ईपीएफओ के 78 लाख से अधिक ईपीएस पेंशन भोगी लाभान्वित होंगे। अब देखिए फ्रेंड्स यहां पे हालांकि मनसुख मांडिया जी बहुत ही अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं पेंशनर्स को लेकर के, लेकिन जो ईपीएस 95 पेंशनर्स हैं उनकी जो मांग है काफी लंबे टाइम से 7500 प्लस डीए, उनको लेकर के कोई आधिकारिक इन्होंने पोस्ट साझा नहीं किया है, कोई भी जानकारी नहीं दिया है कि जो उनकी बढ़ी हुई पेंशन है वो अब बढ़ गई है और उनके खाते में आने वाली है। जो कि काफी पेंशनर्स आस लगाए हुए बैठे हैं कि जो हम काफी लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं तो क्या हमारी पेंशन बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी और कब से बढ़ेगी। तो अभी कुछ इस पे अपडेट जैसे ही आता है मनसुख मांडिया जी के द्वारा तो मैं अपने नए वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में हमने केवल यही जाना है कि भैया ये नई प्रणाली आने वाली है, अभी आपका जो पेंशन है वो बढ़ा नहीं है, लेकिन जो भी आपको पैसा मिलता है, 1000 रुपए मिलता है, 2000, 3000, 5000 जो भी मिलता है, वो अब आपके खाते में एक नई प्रणाली के माध्यम से ईपीएफओ के द्वारा वितरित की जाएगी। बाकी आपकी क्या राय है इन नए प्रणाली के बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्त मित्रों के साथ फ्री आपको किसी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं जिससे कि उनको भी इसके बारे में जानकारी हो पाए। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।